नमस्कार स्टूडेंट्स, स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको इंटीग्रेशन के 4 क्वेश्चंस की ट्रिक्स बता रहा हूँ। इन 4 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अधिकतर आता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या जरा समझने बहुत अच्छी तरह से, क्वेश्चन हो सकता है इंटीग्रेट करने के लिए 1/लीनियर रूट लीनियर, मतलब यहाँ पर भी लीनियर होगा और यहाँ पर भी लीनियर होगा, 1/क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, यहाँ पर क्वाड्रेटिक होगा और यहाँ पर लीनियर होगा, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, यहां पर लीनियर आएगा लेकिन यहां पर क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, या क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, क्वेश्चन ऐसा आएगा, ठीक है। इन्हीं ट्रिक समझ लें, यदि आपको ट्रिक याद होगी तो आप क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिक क्या है कि यहां पर जब लीनियर है, रूट लीनियर, रूट लीनियर, इन दोनों केसों में रूट लीनियर को टी मान लीजिए। कहने का मतलब है कि जो भी रूट लीनियर है उसको टी मानेंगे, या लीनियर पार्ट जो है उसको रूट से टी मानेंगे। ध्यान रखिएगा कि एक्स प्लस वन को क्या मानोगे, टी मानोगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। ऑपरेटर चेंज करेंगे और उसके बाद आप इसे बहुत इजी तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो। यदि आपके पास लीनियर रूट क्वाड्रेटिक आया ना, तो इसमें जो लीनियर पार्ट है, यहाँ पर लीनियर जो फंक्शन है उसको क्या मानिए आप, 1/t मानिएगा। ध्यान रखें यहाँ पर एक्स माइनस वन को क्या मानोगे, ऑलवेज 1/t, जो भी लीनियर पार्ट आए। मान लेता हूँ यहाँ पर 3x प्लस 4 आता, तो उससे क्या लिखे, 3x प्लस 1 या 4 इक्वल टू 1/t, जो लीनियर पार्ट है उसे क्या मानेंगे आप, 1/t मानेंगे, याद रहेगा। और फोर्थ पार्ट, यदि यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक आ रहा हो और यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक आ रहा हो, तो याद रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले इसमें एक्स की जगह पर 1/t पुट करना, सॉल्व करना, और आगे क्वाड्रेटिक बनेगा, ध्यान रखिए रूट क्वाड्रेटिक आएगा, और रूट क्वाड्रेटिक को फिर और कुछ मान लेना, ठीक है, यू मान लेना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक आ रहा हो तो पहले क्या करेंगे, इसमें एक्स की जगह पर 1/t मानेंगे, ऑपरेटर चेंज करेंगे, पूरे क्वेश्चन को टी के फॉर्मेट में लाएंगे, फिर यहां पर एक क्वाड्रेटिक बनेगा और उसमें रूट क्वाड्रेटिक को क्या मानेंगे, दोबारा यू मानेंगे, ठीक है। ये 4 ट्रिक्स आप याद रखेंगे ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इन पर क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। हो सकता है ये जो 4 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इस तरह के मैंने 100 क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट करें, यदि आप उनको देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो आई का आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक कर आप 100 क्वेश्चन को देख सकते हो। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मन लगा के पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।